Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, मतलब जाना था ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में, तो उसी के सीरीज में अब चलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। मोस्टली देखिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? सिग्नल फ्लो ग्राफ का ये होता है कि ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एल्जेब्रिक सम्स। मतलब जो भी आपने अभी ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स देखी थी उसमें जो ब्लॉक्स थे उसका ये आपको एक सिग्नल, मतलब सिग्नल फ्लो एक ग्राफ क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम। ठीक, ये क्या करता है कि एक हम लोग को ग्राफिकल वेव, मतलब एक सिग्नल, जैसे जिस वे में आपका सिग्नल पास हो रहा है किसी भी सिस्टम में, जो भी सिग्नल्स आपके पास हो रहे हैं ये उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। इसमें मोस्टली नोड्स और ब्रांचेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना सिग्नल, मतलब कंट्रोल सिस्टम में जो हम लोग बनाते हैं जिससे डिनोट करते हैं, एक होते हैं हमारे नोड्स, दूसरा होता है हमारे ब्रांचेस। ठीक है, अब देखिए नोड्स क्या होते हैं। नोड्स हमारे मोस्टली वो पॉइंट्स होते हैं जहां से हमारा इनपुट जा रहा है, या मोस्टली मतलब किसी भी कई सिस्टम्स को इनपुट दिया जा रहा है, या जो समिंग पॉइंट्स थे अपने उसमें ब्लॉक रिडक्शन में देखे थे, ब्लॉक टेक्निक्स में देखा था, कुछ समिंग पॉइंट्स है उसको हम लोग डिनोट करते हैं इसमें नोड से। ठीक, और जहां से भी हमारा सिग्नल फीडबैक के तौर पे आउट से जा रहा था, आउटपुट से, तो जो पॉइंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं नोड से। ठीक, नोड्स में भी हमारे तीन टाइप होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट नोड, दूसरा होता है हमारा आउटपुट नोड, और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड नोड। ठीक, तो देखिए नोड्स में हमारे और तीन टाइप्स होते हैं, और तीन टाइप्स, पहला हो गया हमारा इनपुट नोड। अब इनपुट नोड्स क्या होते हैं? इनपुट नोड्स वो होते हैं कि उस पॉइंट से, उस नोड से कोई भी सिग्नल सिर्फ आउटगोइंग है, मतलब उस पे इनकमिंग कोई सिग्नल नहीं आ रही है, मतलब उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल ही जा रही है, उस नोड पे कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं आ रही है। जैसे अगर हमारे पास, हमने रिप्रेजेंट किए ये चार नोड्स। ठीक है, नोड्स को हम लोग बेसिकली पॉइंट्स में डिनोट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। इसको हम डिनोट कर रहे हैं Y1, Y2, Y3, Y4। ठीक, नोड्स को हम लोग ने पॉइंट्स में डिनोट करते हैं। अगर हम ये बोलें कि इनपुट नोड्स हमारे क्या क्या होते हैं, इनपुट नोड्स हमारे वो हुआ जो सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर एक सिग्नल हमने इसको दिया, ठीक, हमने इन दोनों नोड्स को आपस में जोड़ दिए, सारे नोड्स को हमने आपस में जोड़ दिए। ठीक, ये हो गए हमारे नोड्स, ये जो पॉइंट्स में दिख रहे हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं Y1, Y2, Y3 से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गए हमारे नोड्स। अब ब्रांचेस क्या है? ब्रांचेस क्या होता है? कई चीज, कई आपस को एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, तो दो नोड्स को आपस में जो जोड़ रहा है, मतलब ये लाइन हो गई आपकी ब्रांचेस, मतलब दो नोड्स को जोड़ रही है ना ये आपस में, ये हो गई हमारी ब्रांचेस। तो अब इनपुट नोड में हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो यहां से सिग्नल जा रही है Y1 से Y2 में जाएगी, Y2 से Y3 में जा रही है, और Y3 से Y4 में जा रही है। ठीक है, ये एक सिग्नल का फ्लो है, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C। ठीक, अब आउटगोइंग सिग्नल कह रहा है, इनपुट नोड्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट नोड देते हैं, आउटपुट नोड, आउटपुट सिग्नल, आउटगोइंग सिग्नल। ठीक, तो आउटगोइंग सिग्नल किस पे आ रहा है? Y1 में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल है, कोई भी इनकमिंग सिग्नल नहीं है। Y2 पे क्या आ रहा है आपका? आउटगोइंग सिग्नल भी है प्लस इनकमिंग सिग्नल भी है। Y3 पे क्या है? इस पे भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी आउटगोइंग सिग्नल है प्लस इनकमिंग सिग्नल भी है। Y4 पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग सिग्नल है, इससे आउटगोइंग सिग्नल नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ? इनपुट नोड्स हमारे वो हुए
जो सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल्स को शो करे। उसी के लाइन में अगर हम आए आउटपुट नोड्स वो होते हैं, आउटपुट नोड वो हो गए जो सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करे। ठीक है, इनकमिंग सिग्नल्स हो गए हमारे कौन कौन से, इस पे इनकमिंग आई Y2 पे, पर आउटगोइंग भी है, इसे Y3 पे इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, Y4 पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग सिग्नल है, प्रेजेंट है, आउटपुट सिग्नल इस पे प्रेजेंट नहीं है। तो Y4 हमारा क्या हो जाएगा इसमें, आउटपुट नोड। ठीक, ये वाला Y4 इसमें, इसके हिसाब से Y4 हुआ हमारा आउटपुट नोड जो सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग सिग्नल रिसीव कर रहा है, और इनपुट नोड क्या हुआ हमारा Y1 नोड जो सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब आइए मिक्स नोड। अब मिक्स नोड क्या होते हैं, मिक्स नोड वो होते हैं कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, इनकमिंग सिग्नल भी ले रहे हैं प्लस आउटगोइंग भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें अब इनकमिंग कौन, दोनों प्रोसेस कौन कर रहा है, Y2 पे देखिए इनकमिंग भी है आउटगोइंग सिग्नल भी है, तो Y2 हमारा मिक्स नोड हो गया। उसी तरह Y3 देखिए, Y3 पे भी इनकमिंग है आउटगोइंग भी है, तो Y3 भी हमारा क्या हुआ, मिक्स नोड हुआ। ये और ये इनपुट आउटपुट, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग। ठीक, तो मिक्स नोड हमारे कौन कौन से हुए, Y2 एंड Y3। ठीक, तो ये हुए हमारे नोड्स। ठीक, इनपुट नोड दोबारा बता रहे हैं, इनपुट नोड जो सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल्स प्रोवाइड करे, आउटपुट नोड जो सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करे, मिक्स नोड मतलब जो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को रिसीव करे और सेंड करे। ये हो गए हमारे नोड्स। अब आइए ब्रांचेस। ब्रांचेस अभी हमने बताया कि जो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करे, जो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करे उसको हम ब्रांचेस कहते हैं। ठीक, किसी भी दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर ले इसको हम लोग ब्रांचेस कहते हैं। अब वो चाहे तो आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, चाहे तो वो आपका फीडबैक के तौर पे कनेक्ट हो सकता है, सिग्नल है फीडबैक के तौर पे भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक फीडबैक के तौर पे आपको सिग्नल मिल रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है जो दो नोड्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ये सब, ये ब्रांचेस, ये ठीक, दो नोड्स को आपस में जोड़ने वालों को इसमें ब्रांचेस कहते हैं। ठीक, अब इसी के सीरीज में हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अब इसको। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। इनकेस अगर हम मानिए कि हमने जैसे मान लीजिए कि 5 नोड ले लिए, ठीक है, Y1, Y2, Y3, 4, Y5, ठीक है। अगर हम ये कहें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, मतलब आप किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू कैसे कर सकते हैं और उसके एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर हम पहला एक्सप्रेशन अगर हम ये लिखें कि हमने एक सिग्नल को ये जोड़ा जिसको हमने डिनोट किया A12 सिग्नल जोड़ा, और दूसरा अगर हम लोग डिनोट करें कि एक सिग्नल हमने ये जोड़ा A42। ठीक, अगर हम इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, Y2 पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं Y2 इज इक्वल टू A12 Y1, Y1 नोड से A12 सिग्नल फ्लो हो रही है प्लस Y4 से A42 Y4। ठीक, Y2 के रिस्पेक्ट में Y1 से हमको एक सिग्नल मिल रहा है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया A12 से। ठीक, प्लस और इसके ऊपर एक और सिग्नल आ रही है, कौन सी, A42 की, जो कि एज अ फीडबैक के तौर पे है। ठीक,
तो हमने क्या लिखा, ए फोर टू किससे, वाई फोर से। अब अगर इसी में अगर हम लोग ये बोले कि हमने एक और सिग्नल इसको प्रोवाइड किया डायरेक्ट, इसको हमने डिनोट किया ए टू थ्री, ठीक, और इसी को हमने डायरेक्ट वाई वन से भी हमने दे दिया, इसको हमने दिया ए वन थ्री, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने y3 के टर्म्स में आ गए, y3 नोड्स पे, और y3 के टर्म्स में क्या लिखाएगा, y3 इज इक्वल टू कौन सा आ रहा है, पहला तो आपका ब्रांच क्या आ रहा है, a23 आ रहा है 2 से, किससे, 2 नोड से, a23 मतलब y2 नोड से, ठीक, प्लस दूसरा क्या आ रहा है आपका y1 नोड से, कौन सी सिग्नल आ रही है, a13 आ रही है। आपको ये लाइन जरूर ध्यान देनी है, ये तीर इसकी आपको जो डायरेक्शन शो कर रहा है, आपको वही डायरेक्शन को पहले लिखना है। अगर ये तीर आपकी ये हो, उल्टी हो, तो 3 से 1 में आ रही है सिग्नल, तो आपको A31 लिखना रहेगा, ठीक है, नहीं तो ये मिस्टेक में आ जाएगा। उसी तरह अगर हमने आगे का शो कर रहे हैं, तो मतलब वाइज सिग्नल 3 में जा रहा है, तो मतलब A13, तो ये हो जाएगा हमारा A13 y of 1, मतलब y1 से सिग्नल y3 में जा रही है। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, फीडबैक भी था, नॉर्मल सिग्नल था, इसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक, इसको हमने दिया a3 4, इस पे हमने और कोई सिग्नल्स नहीं है, ठीक, y4 पे सिग्नल्स कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो हम y4 को किस टर्म में लिख सकते हैं, y4 इज इक्वल टू a3 4 y3, ठीक, क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल्स आ रहे हैं और कोई सिग्नल्स नहीं है। अब हम ये कहें कि हमने इसको भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, प्लस इसमें से एक और सिग्नल हमने फीडबैक के तौर पे y4 को, y4 y5 को दिया, प्लस एक आउटपुट और दे दे जिसपे कुछ ना रहे, ठीक। तो इसमें अब हम लोग क्या लिखेंगे, a 3 5, ठीक, और ये हो गया हमारा a 4 5, ठीक। तो अब इसमें हमारा क्या हुआ, y5 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग आए, तो y5 के रिस्पेक्ट में हमारा आ रहा है a 4 5 सिग्नल जा रही है, ब्रांच a 4 5 किससे, y4 नोड से, y4 नोड से, प्लस एक फीडबैक की भी सिग्नल हमारे पास जा रही है y5 से, किससे, 3 से 5 में ब्रांच जो जा रही है a 3 5 किससे, y of 3, ठीक, ये चीज हमारा हुआ। अब हमने y6 के टर्म में भी लिख लेते हैं, y6 का टर्म उस पे क्या आ रहा है, y6 पे आ रहा है सीधे हमारा a 5 6 of y 5, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सिग्नल फ्लो ग्राफ, मतलब हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी हमारा ब्लॉक्स, जो हमने ब्लॉक डिडक्शन में देखा था ना, ब्लॉक्स बनाए थे काफी, अभी हम सेम वही ब्लॉक बनाएंगे जिससे आप लोग के दिमाग में वो चीज चढ़ जाए कि आखिर वो कैसे वर्क करता है, तो एक्सप्रेशन उसका किस हिसाब से लिखना है, किस वे में लिखना है, तो ये होते हैं एक्सप्रेशन उसके लिखने के, जिस नोट्स को आप टारगेट कर रहे हैं उस नोट्स पे कितनी सिग्नल्स आ रही है, या कितने कौन ब्रांच से आ रही है और किस नोड से आ रही है, आपको वो चीज ध्यान देनी है, प्लस डायरेक्शन आपको मोस्टली ध्यान देना है, जो डायरेक्शन से आ रही होगी वो डायरेक्शन का नोड पहले लिखाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब इसी में हम लोग और डिटेल में उसको और समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो क्लास उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, मतलब जो अभी हमने आपसे बताया था ना कि ब्लॉक डायग्राम्स जो हमने यूज किए थे उसको हम लोग सिग्नल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम भी यही था, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अलजेब्रिक सम्स, ठीक। तो ये क्या है आपका, एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम हुआ ये पूरा, जो अभी हमने इसी का हमने रिडक्शन टेक्निक भी देखा था, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ में चेंज करेंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर हमको चेंज करना है इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को, तो पहले तो हमने क्या देखा था, पहले तो नोड्स देखिए कितने नोड्स हैं टोटल, तो टोटल नोड्स इस पे देखिए गिनिए कितने हुए, एक नोड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, दो सिस्टम्स को आपस में जोड़ रहा है, ठीक।
तीसरा चौथा फोर्थ स्पीड बैंक जा रहा है, एक दो तीन चार, ठीक ये हो गया आपका पांचवा, ठीक ये हो गया आपका छठवां, ये हो गया आपका सातवां, ये हो गया आपका आठवां और ये हो गया आपका नौवां। मतलब टोटल नौ नोट्स हैं हमारे पास इसमें पूरे में। तो पहले तो आप नौ नोट्स बना लीजिए पूरे। Y1 ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल जहां से आ रहा है RS, ठीक। अब आइए किस पे Y2, अब Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 और ये हो गया हमारा सिग्नल Y ऑफ S, ठीक। ये सिग्नल हमारा आउटपुट में Y ऑफ S हो गया, ठीक। तो इसमें हमारा पहला हमारा रूल यही कहता है कि हमको पहले जो भी ब्लॉक डायग्राम्स हमारे पास अवेलेबल है हमको उसमें पहले नोड्स देखना है कि हमारे पास टोटल कितने नोड्स हैं, ठीक, जिसके थ्रू हम आगे ब्रांचेस को कनेक्ट कर सके, उसके गेन को, उसके डायरेक्शंस को हम लोग आपस में कनेक्ट कर सके। तो नोड्स हमने गिने, टोटल हमारे पास नौ नोड है, ठीक। अब उसमें हम लोग को क्या करना है, शुरू से एक एक ब्रांच देखना है कि कौन कौन से ब्रांच किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं। एक तो सीधे देख लीजिए कि एक सिग्नल फ्लो आपका डायरेक्ट इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट पे जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जा रहा है आपका, हो गया। अब इसमें क्या हुआ हमारा, एक ये नोड है मतलब Y1 नोड, Y1 नोड पे किससे, आठवें से हमारा एक फीडबैक सिग्नल आया हुआ है पॉजिटिव का, ठीक। तो आठवें से हमारा एक पॉजिटिव का फीडबैक मतलब H2 इस पे आया हुआ है Y1 पे, पॉजिटिव का H2, ठीक। एक नेगेटिव पॉजिटिव का H2 हमारे पास इस पे आया हुआ है Y1 पे, हो गया। अब उसके बाद दूसरे में देखिए क्या है, Y2 नोड पे हमारे पास आया है किससे, फोर्थ नोड से एक फीडबैक सिग्नल माइनस का, मतलब Y4 से हमारे पास आया है Y2 पे एक माइनस का सिग्नल, माइनस ऑफ H1, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस ऑफ H1, ठीक है। अब उसके आगे देखिए आपका एक सिस्टम लगा हुआ है G1, जीवन किसके लगा है, टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में यहां है आपका G1, उसके बाद थ्री और फोर के बीच में आपका भी सिस्टम लगा हुआ है G2, थ्री और फोर के बीच में आपका सिस्टम है G2, ठीक। अब उसके बाद आगे चलिए, ये नोड से इस नोड पे कोई टच नहीं है, वाई फोर से वाई फाइव नॉर्मल सिग्नल है, वाई फोर से वाई फाइव नॉर्मल है, कुछ नहीं। अब वाई फाइव से ये गया आपका इस पे जी फोर, वाई फाइव से सिक्स पे गया, ये भी फाइव से सिक्स पे कुछ नहीं। अब सिक्स से आपका सेवन पे आपका एक फीडबैक सिग्नल कनेक्टेड है, वो भी प्लस से, सिक्स से आपका सेवन पे आपका क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइन के साथ जी फोर, जी फोर, ठीक। अब इसी में आप आगे देखिए कि एक G3 आपका डायरेक्ट भी कनेक्टेड है, G3 ये हो गया आपका कनेक्टेड 6 से 7, अब 7 से 8 सिंपल है, अब 8 से 9 के बीच में G5 है, 8 से 9 के बीच में G5 है, पर 9 से आपका उठ के एक जा रहा है आपके 5 पे, मतलब 5 पे एक आपका फीडबैक सिग्नल आ रहा है, किसका, नेगेटिव साइन का फीडबैक सिग्नल 9 से। डायरेक्शन देखिए, साइन देखिए और डिनोट करिए H3, H3 से हमारा एक सिग्नल इस पे आया। तो हमने क्या किया, ये ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट किया किसमें, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे डायग्राम का ये हो गया आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ, क्लियर है। अब इसी के आगे चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है, प्लस एक तो पहले साइन कौन सा साइन है, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस आपको मोस्टली ध्यान देने हैं, साइंस ध्यान देने हैं, नहीं तो आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ
पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कन्वर्जन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ एल ब्लॉक डायग्राम। अब इसी को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं।